हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 और आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन मिला, वावा सर क्या मजा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, छोटू से चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी की थी, इंटेंसिटी उसकी के क्यू बाई आर स्क्वायर। पर आज ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होनी है, चार्ज ऐसे पूरा बटा होगा बड़ी बड़े बॉडीज पे, ठीक है ना, तो वहां पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। जो आज का लेक्चर होगा ना, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो लोग आईटी जेई दे रहे हैं, मेंस एडवांस, जो अपने नीट दे रहे हैं, एम्स दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वगैरह खूब आएगा, ठीक है। तो हम चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक रॉड पे, सेमी सर्कुलर वायर पे वगैरह वगैरह करेंगे, ठीक है, मजा आने वाला है आज। एक केस इस लेक्चर में नहीं डिस्कस होगा कि सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसका नेक्स्ट लेक्चर है, अलग से बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और उसके ऊपर पूरा डिस्कशन भी करना है, ठीक है। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक आपने पढ़ा कि यहां पे मान लो कोई पॉइंट चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो होती थी K Q बाई R स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होती थी, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होती थी। ये सब पढ़ लिया हम लोग ने, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स। ये सब कहां पे वैलिड था, पॉइंट चार्ज पे, छोटे छोटे चार्ज पे, जो चार्ज एक जगह पे सिमटा हुआ हो। जैसे आज हम क्या बात करेंगे, सवाल के टर्म्स में बात करें, चलो क्वेश्चन के टर्म्स में, हमें यहां पे इन्होंने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। क्या दे दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जरा क्या हुआ, इस रॉड पे इन्होंने कहा कि क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्यू चार्ज को इस पे बहुत अच्छे से एकदम प्यार से यूनिफॉर्मली इस पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए सर ठीक है, इस रॉड की लेंथ हमको दे दी कैपिटल एल, चलिए सर ये भी ठीक है, और रॉड के इस एंड से ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अब के क्यू बाई ए स्क्वायर लिखना सही है, नहीं भाई, क्योंकि चार्ज पूरे पे है, तो क्या करें, तो हम मान लेते हैं सारा चार्ज सेंटर पे हो जाएगा, ये पूरा चार्ज सेंटर पे, ये डिस्टेंस हो जाएगा बोलो एल बाई टू, तो पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया ए प्लस एल बाई टू, तो के क्यू अपॉन ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, गलत हो गया, ठीक है। ये चार्ज के केस में सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्मूला 1 बाई आर स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता तब तुम जो ये कर रहे थे ये सही हो जाता, ठीक है ना, 1 बाई आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा कि सेंटर पे रख दिया, बोला ये एल बाई टू, ये एक खेल खत्म, ले के क्यू बाई, नहीं, इसमें दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, देखो एक काम करते हैं, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, यहां से एक एलिमेंट काटा मैंने, कई लोग को एलिमेंट काटने से सख्त नफरत, ये क्या हो रहा है, सीख जाओगे आज के लेक्चर में, टेंशन नहीं। मान लेते हैं ये एलिमेंट P पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है, कितना दूर है, x डिस्टेंस, ठीक है, और इस एलिमेंट की खुद कुछ लेंथ होगी, उसको मैंने बोल दिया dx, इस एलिमेंट पे कुछ चार्ज भी होगा भाई, पूरे पे चार्ज बटा है तो बहुत छोटा सा चार्ज होगा, इस एलिमेंट पे छोटा सा काटा है तो इस पे छोटा सा चार्ज है dq, बहुत छोटा सा चार्ज dq। अब एक बात बताओ, ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज हुआ, छोटा सा चार्ज हुआ, आय हाय हाय, अब फॉर्मूला भी वैलिड हो गया, ओए होए 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 होए, सो स्मॉल dq
बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज. तो हम पी पॉइंट पे डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. तो पी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई की जगह हम डी बोल देते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डी क्यू. डी क्यू पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज. सो इस स्मॉल डी क्यू की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के डी क्यू, और कितना दूर है पी पॉइंट से? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. खत्म हो गया खेल भाई साहब, खत्म हो गया. अच्छा यहां पे सोचो अगर डी क्यू काटें तो इसकी वजह से क्या होगी? के डी क्यू बाई, यहां तक एक्स ले लो एक्स स्क्वायर, यहां काटें के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर. यानी डी क्यू डी क्यू डी क्यू काटते जाए सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो आएगी, तो ऐड हो जाएगी सिंपली. अगर यहां पे भी एक एलिमेंट काटें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, यहां पे काटें उसकी भी ऐसे. यानी इस पूरे रॉड को छोटे 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 टुकड़ों में काट लो, हर डी क्यू की वजह से छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो. सभी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सबके लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी. इस एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू अलग, जैसे इस एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू ए, इस एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू ए प्लस एल, है ना. तो ऐसे छोटे छोटे काटना है, कहां से कहां तक काटना है? सबसे पहले यहां काटना है, कहां x इज इक्वल्स टू ए पे सबसे पहला एलिमेंट, और आखिरी एलिमेंट कटेगा ए प्लस एल पे. बोलो समझ में आया? सबसे पहले x इज इक्वल्स टू ए, ये x है ना, ये वाला एलिमेंट, और सबसे बाद में ये. तो डी 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 सबका लेके जोड़ दो, यानी इंटीग्रेशन. यानी ई नेट निकालने के लिए आपको सारे डी का इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर. कहां से कहां तक करोगे? सबसे पहला एलिमेंट यहां काटोगे, फिर यहां 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 सब एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है. जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन. तो x इज इक्वल्स टू ए से लेकर x इज इक्वल्स टू ए प्लस एल तक. खत्म हो गया सवाल. अब इसके बाद मैथमेटिक्स है इसके अंदर कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा. चलो k तो एक कॉन्स्टेंट होता है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया. a यहां लिख लेते हैं. सो e नेट इज इक्वल्स टू के, तो बाहर आ गया, अंदर बचा डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर. यार ये डी क्यू और एक्स स्क्वायर तो कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. आपने देखा होगा कि यहां dx हो तो इंटीग्रेट हो सकता है ना सर? एक्स स्क्वायर सर डी क्यू कैसे होगा? तो क्या करें, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. अरे सर ये क्या है? ऐसे लिख लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ. हाँ वो मीम नहीं आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, वो वाला हो गया. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हमने बोल दिया लैम्डा. यानी इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा है. लैम्डा की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो, हमने ऐसे एक वेरिएबल उठाया नया. तो लैम्डा हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. ठीक है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ आप यहां का चार्ज लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हो, इस जगह का चार्ज. कैसे भाई? लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो इस एलिमेंट को देखो, इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू, और लेंथ कितनी है? डी एक्स. यहां से डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा डी एक्स. वाह भाई वाह, ये चीज याद रखना. अब आगे जहां भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखे वहां पर डी क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे? लैम्डा डी एक्स पुट कर दो. ठीक है ना? इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि जो नए बच्चे वो भी समझे, जो अभी तक इंटीग्रेशन वगैरह नहीं देखे, जिन्होंने सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन, रोटेशनल के डेरिवेशन नहीं किए, उनके लिए सब नया है. तो भाई साहब ई नेट इज इक्वल्स टू के, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल. अब इंटीग्रेट हो सकता है. लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है, देखो लैम्डा क्यूब आई एल, लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट. चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को यहां पे भी लगा सकते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा बाहर आ गया, के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स. क्या सबको आता है एक्स की पावर माइनस टू डीएक्स का इंटीग्रेशन, या वन बाई एक्स स्क्वायर ही लिख दूं, वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स होता है. एक्स की पावर माइनस टू है वो बाहर, क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस टू है, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे माइनस टू प्लस वन, है ना. सो माइनस वन बाई एक्स. तो के लैम्डा माइनस वन बाई एक्स. इंटीग्रेशन नहीं आता तो यूट्यूब पे टाइप करें इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला, आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर मिल जाएगा.
यहाँ पे a, यहाँ पे a प्लस l। तो ये हो गया बच्चों k लैम्डा। अच्छा यहाँ पे पहले रखोगे x की जगह a प्लस l, फिर x की जगह a, तो माइनस वन अपॉन ए प्लस एल माइनस माइनस वन बाई ए, तो ये हो जाएगा प्लस। फाइनल आंसर इज ई नेट इज इक्वल्स टू के लैम्डा वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, एंड दैट इज द आंसर। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कहीं लैम्डा तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, लैम्डा की वैल्यू रख दो क्यू बाई एल, के लैम्डा लिखना चाहो या के क्यू बाई एल वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। मैं आंसर लैम्डा के टर्म्स में लिखूंगा क्योंकि आगे भी मुझको क्वेश्चन लैम्डा के टर्म्स में आपको समझाना है। क्लियर हो गया? तो जब भी इस तरह का लीनियर चार्ज मिले तो हम कोशिश करते हैं उसको भी पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने की। छोटा सा एलिमेंट काट लिया डी क्यू, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कहां से कहां डी क्यू काटोगे? यहां से यहां, यानी एक्स की सबसे पहली वैल्यू ए, आखिरी वैल्यू a प्लस एल। तो मैंने e नेट करके इंटीग्रेट किया a से a प्लस एल। फिर दिक्कत थी dq की भाई साहब, आखिरी दिक्कत dq की थी। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हमने कहा यही लैम्डा यहां पे यूज करो, चार्ज कितना है dq, लेंथ कितनी है dx, तो dq इज लैम्डा dx, इसको भी याद रखना आगे से, dq इज लैम्डा dx, बहुत तेजी से यूज करेंगे आगे। तो dq की जगह यूज किया लैम्डा dx, फिर लैम्डा बाहर आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर वैल्यूज रखिए और ये आंसर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, सारे d इधर है, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर हुआ कुछ कुछ? बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। चलो अब एक थोड़ा बढ़िया सा सवाल उठाते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कॉम्पोनेंट था, अब ऐसा सवाल उठाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो। तैयार? चलो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, मान लीजिए यहां पे हमें एक सेमी सर्कुलर वायर दे दिया या सेमी सर्कुलर कंडक्टर दे दिया और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यार माइनस के लिए भी कर सकते हो ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड्स द चार्ज, बाकी सब तो सेम रहेगा। प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमसे बोला कि इस सेमी सर्कल का रेडियस आर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। हमसे कहा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट, ये सवाल हमसे पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ट्राई करेंगे एक बार, जरा सोचें, दिमाग लगाएं, खुद से भी सोचें क्या किया जाए। भाई कुछ इंटीग्रेशन वगैरह तो करना ही है, तो इसको कैसे काटा जाए, कैसे काटा जाए, छोटे छोटे एलिमेंट में कैसे काटा जाए, कैसे काटा जाए, कैसे काटा जाए, चलो बताएं इस तरह को कैसे डील करना है। हम एक काम करते हैं, यहां से ऐसे जाकर थीटा एंगल पर एक एलिमेंट काटते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट को मैंने बोला डीएल और इस पे चार्ज है मान लो डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट है, इस पे चार्ज डी क्यू, लेंथ है डीएल, थीटा एंगल पे जाके काटा और ये जो है इसको हमने बोल दिया डी थीटा, छोटा सा एलिमेंट है डी थीटा। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इस पे है डी क्यू, इसकी लेंथ है डीएल, है अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? डी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे लगा देगा? इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डी ई बोल सकते हैं, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो डी के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक इधर आएगा डी ई कॉस थीटा और एक इधर आएगा डी ई साइन थीटा, रेडियस आर यहां लिख लिया,
ठीक है, यानी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनने, और ऐसे ही एलिमेंट आपको बहुत से काटने होंगे। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 करते करते पूरी रिंग कवर कर लोगे। तो असल में इस बार एक्स वेरी नहीं हो रहा, पिछली बार एक्स वेरी कराया था ए से ए प्लस एल, इस बार थीटा वेरी होगा। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ काटोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो थीटा चेंज होते 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 ऐसे 0 से 180, तो थीटा वेरी कराएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। बात यह कि इस बार x में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और y में भी है। खास बात यह होगी कि x वाली इस केस में कैंसिल हो जाएगी। कैसे? इमेजिन करो इसके सिमेट्रिकली अपोजिट एक यहां पे एलिमेंट dl बनेगा, इस dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड dE ऐसे बनेगी, उस dE का एक कंपोनेंट dE cos थीटा, एक dE sin थीटा, तो dE cos थीटा, dE cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा कौन सा? dE sin। कोई भी एलिमेंट यहां निकालोगे, कोई भी एलिमेंट, उसका डी कॉस थीटा उसके सामने वाले एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने यहां पहला एलिमेंट लिया, यहां ले लिया, तो इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा, ये एलिमेंट का डी कॉस थीटा कैंसिल कर देगा। देखो इसको ये वाला कैंसिल, देखो ये डीई, ये डीई, कॉस थीटा कॉस थीटा, ये डी, ये डी, साइन थीटा ऐड, मतलब डी कॉस थीटा तो कैंसिल हो रहे हैं। इसके सिमेट्रिक में ये कैंसिल करेगा, इसके सिमेट्रिक में ये कैंसिल करेगा, इसके सिमेट्रिक में ये कैंसिल करेगा, और साइन थीटा वाला तो ऐड होगा। जैसा इमेजिन करो थोड़ा सा, एक बार इसको सोचो, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, इसके सिमेट्रिकली मान लो अपोजिट, तो इसकी वजह से बच्चों डी ऐसे बनेगी कि नहीं, सेम एंगल थीटा पे, तो इसके भी दो कॉम्पोनेंट डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, तो डी कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या? डी साइन थीटा, यानी सभी का डी कॉस थीटा तो उसके सामने वाले से कैंसिल, बचना है सिर्फ डी साइन थीटा। ये बात क्लियर है? दिस विल गेट कैंसिल, क्लियर है सबका? डी कॉस थीटा विल गेट कैंसिल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट, सबका एक मिरर एलिमेंट होगा सामने उसके, जो उसको कैंसिल कर देगा। ऐड क्या होगा? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा विल ऐड अप, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस वाई डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी डी साइन थीटा। सो ई नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, यस और नो? डी साइन थीटा इसका, डी साइन थीटा, सबके लिए थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब बात आती है कि ये d की वैल्यू कितनी, अब सवाल स्टार्ट हुआ। तो भाई DE इस छोटे से चार्ज DQ की वजह से यहां पे फील्ड K DQ by R square। देखो हमने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लिया क्योंकि DQ छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, क्या बात है सर। अब इसको उठा के आप यहां पुट कर दो, सो यू विल गेट E net इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन d की जगह K DQ by R square इंटू कॉस थीटा। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, भाई यहां पे लिखा है डी क्यू, यहां थीटा, वेरिएबल्स की दिक्कत है, के और आर स्क्वायर तो प्यार से बाहर आ जाएंगे, बोलेंगे हम तो कॉन्स्टेंट हैं, हम तो बाहर चले, प्रॉब्लम डी क्यू और कॉस थीटा ने फंसा दी। अब कॉस थीटा को इंटीग्रेट, अच्छा इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में होना सबको समझ में आ रहा है, थीटा ही तो वेरिएबल है। सबसे पहला एलिमेंट यहां थीटा जीरो पे, फिर यहां 30 डिग्री, फिर यहां 60 डिग्री, फिर 90 पे बढ़ते बढ़ते 180, थीटा ही वेरी कराना है, यानी डी क्यू को किसी तरह से थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, डी थीटा के टर्म्स में, तभी तो इंटीग्रेट होगा। आओ देखते हैं, मान लें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका चार्ज हो गया क्यू, और बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी पाई आर, ये हमने खुद से माना, ठीक है, पूरा होता था 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर। अच्छा अब इस एलिमेंट की बात करो, इस एलिमेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, फील आ रहा है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो, क्या ये एक आर्क वगैरह की कहानी है? क्या आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ रखा है कि अगर ये डी एल है, ये आर है और ये डी थीटा है, तो dl is equals to r d theta, मेरे ख्याल से सबने पढ़ रखा होगा। तो क्या हम dq की जगह lambda
आर डी थीटा लिख सकते हैं, अपना काम हो गया। के बाई आर स्क्वेयर लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट बाहर, के लैम्डा बाई आर बचेगा, एक आर कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, थोड़ा सफाई से लिख दिया जाए, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेशन चाहोगे? यहां से यहां, यानी जीरो से पाई 180 डिग्री तक। के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट सब बाहर है, के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा की, माइनस साइन थीटा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी ये साइन थीटा, डी साइन थीटा, वेरी सॉरी, डी साइन थीटा, यहां पे देखो मिस्टेक कर दी हमने, तभी फाइनल आंसर भी गलत आ रहा था, मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, बच्चे की लोगे जान क्या। यहां पे देखो डी साइन थीटा वाला इंटीग्रेट होना है ना, डी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सबका डी साइन थीटा जोड़ना था ना, डी साइन थीटा होना चाहिए था, तो दिस विल बी साइन थीटा। अब साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे हो गई गलती मुझसे मानता हूं, क्या पूरा गाना गाऊं? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से 180। तो के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस 180 माइनस माइनस कॉस जीरो, कॉस 180 इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस जीरो इज वन, माइनस माइनस प्लस टू आएगा, यानी 2k लैम्डा बाई आर, एंड दैट इज द आंसर। डायरेक्शन ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा बाई आर। अब कई लोग कह रहे हैं लैम्डा नहीं पता, ये वैल्यू रख दो, क्यों भाई? मैं लैम्डा के टर्म्स में आंसर छोड़ूंगा, बाकी आप लैम्डा की जगह हमने जो माना है रख सकते हो, क्यू बाई पाई आर, एंड यू कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर। एग्जाम में मान लो लैम्डा नहीं दिया है, क्यू और आर दिया है, तो आप यहां पुट कर दो। क्लियर है? आ गया, सो फाइनल आंसर इज 2k लैम्डा, 100% करेक्ट, 2k लैम्डा बाई आर, एंड लैम्डा इज q बाई पाई आर, यहां पे q अपॉन पाई, तो r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? मिटारा जाए इसको, लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये भी याद रखना, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, मिटारा जाए इसको, बहुत बढ़िया। चलिए अब जैसे सेमी सर्कुलर एलिमेंट लिया था, अब हम एक क्वाड एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेंट लेते हैं सर्किल का, और क्वाड्रेंट लेने पे दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स का भी और एक वाई का भी। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वाड लेते हैं, आइए मान लो हमें ये सवाल दे दिया कि हमारे पास एक क्वाड है और उस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, इसका रेडियस वही है अपना पुराना आर, हमसे पूछा फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, सवाल भी वही है, ई नेट एट ओ, कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जो लॉजिक लगा रहे थे वही लगाओ, यहां से थीटा एंगल ऊपर आके एक एलिमेंट काट लो डी थीटा का, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू, और इसकी लेंथ डी एल, इसकी लेंथ डीएल, चार्ज dq, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, दिस एंगल विल बी थीटा, डी का इधर कंपोनेंट dE cos थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट dE sin थीटा। इस बार देखो dE cos थीटा को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, पिछली बार इसका सिमेट्रिक एलिमेंट इधर था, zoom zoom d cos थीटा को कैंसिल करता, इधर से d d cos थीटा, इस बार कोई है ही नहीं, है ना, इस बार इसका डी कॉस थीटा, इसका डी, देखो यहां से टुर टुर डी कॉस थीटा, टी टुर डी कॉस थीटा, टुर टुर डी कॉस, टुर टुर डी, सब ऐड होंगे, तो इस बार ये भी होगा ये भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगी और एक वाई में होगी, दोनों को अलग अलग वर्कआउट करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो कैसे निकलेगी? अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ये कहानी इस बार लगानी पड़ेगी, एक एक्स में होगी एक वाई में, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस
ई वाई स्क्वायर। तो क्या किया जाए, निकाला जाए कहानी को। चलिए डी की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बच्चों डी की वैल्यू होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो सही है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, डी क्यू की जगह रख देते हैं लैम्डा डी एल। बोलो किसी को दिक्कत, बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, लैम्डा हो गया इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की वैल्यू बोलो क्यू बाई इसकी लेंथ कितनी होगी, पाए आर बाई टू, तो टू क्यू बाई पाए आर। बोलो सही है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज क्यू है इसकी लेंथ हो गई पाए आर बाई टू। अच्छा डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, फिर डी एल की जगह आर डी थीटा। अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ये डी एल है, ये डी थीटा है, ये आर है, तो डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बोल सकते हैं। तो डी एल की जगह आर डी थीटा भी रख दो, से हो जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपको डी की वैल्यू मिल गई कितनी हो गई, बोलो के लैम्डा जी थीटा बाय आर, के लैम्डा जी थीटा बाय आर। बोलो सही है। अब एक बार यहां पे रख के इंटीग्रेशन, एक बार यहां। थीटा कहां से कहां वेरी कराओगे, जीरो से 90 तक। चलो करते हैं ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू देखो थीटा के टर्म्स में निकाल दिया मैंने, के लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा। ये सब क्यों किया समझ में आया, ताकि हम डी को भी डी थीटा के टर्म्स में रख दें जैसे पिछली बार इंटीग्रेट करने के लिए। यहां से के लैम्डा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा जीरो से लेके 90 डिग्री। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा कहां से कहां, जीरो से 90 डिग्री। देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही, जीरो से 90, तो साइन 90 इज वन, साइन जीरो इज जीरो, सो इट विल बी के लैम्डा बाई आर। चलो ई एक्स मिल गया, ई वाई भी सेम मिलता है, निकाल के देख लो। ई वाई निकालते हैं, आओ इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, डी की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा बाई आर। ये क्यों किया समझ में आ रहा है, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, डी एल की जगह आर डी थीटा, इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ से के लैम्डा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जीरो से लेके 90 डिग्री। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा जीरो से लेके 90 डिग्री। तो ये होगा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, माइनस माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी अगेन के लैम्डा बाई आर। और लैम्डा की वैल्यू ये रही, चार्ज क्यू पर लेंथ, लेंथ कितनी हो गई पाई आर बाई टू। रख दो, ई एक्स भी मिल गया, ई वाई भी, ई नेट निकालना अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। खास बात यह है कि ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू सेम है, लेट इट बी ई, लेट दिस बी ई, लेट दिस बी ई, देन ई नेट विल बी अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट टू ई स्क्वायर, यानी रूट टू ई या ई रूट टू। ई की वैल्यू के लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये और ये बराबर हो गए तो डायरेक्शन एकदम बीच से आएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ बना के दिखा दूं मैं, जगह कहीं खाली है, यहाँ पे देख लो, छोटा सा बना देते हैं। देखो ये ई एक्स और ये ई वाई दोनों की वैल्यू बराबर है, इसको मैं ई बोल दिया, इसको भी ई बोल दिया, तो इसका रिजल्टेंट इसी लाइन पे तो आएगा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना आएगा अंडर रूट ई स्क्वायर ई स्क्वायर, ई रूट टू, ई रूट टू, और ई की वैल्यू कितनी है के लैम्डा बाई आर। सो द फाइनल आंसर विल बी दिस टाइम के लैम्डा बाई आर इंटू रूट टू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी इस डायरेक्शन में, ई नेट के लैम्डा बाई आर इंटू रूट टू, के लैम्डा बाई आर इंटू रूट टू।
ठीक है, तो पिछली बार आया था 2k lambda by r, इस बार आया k lambda by r into root 2, और डायरेक्शन क्या हो गया at 45 degree. इसको वेक्टर फॉर्म में भी कोई आपसे कहे तो आप लिख सकते थे, आप बोलते कि e is equals to k lambda by r into minus i cap, नेगेटिव में जा रहा, प्लस k lambda by r into minus j cap, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते थे. फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते थे E net is equals to minus k lambda by r i cap minus k lambda by r j cap, जैसे भी चाहो. फाइनल आंसर k lambda by r into root 2, पिछली बार 2k lambda by r. तो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, बस आपको इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए. इंटीग्रेशन आता होगा तो आप फाइनल आंसर सही बैठा ही दोगे. क्लियर है, हैं? पक्के से क्लियर है? बहुत बढ़िया. देखो इसका एक जनरल केस भी बना सकते थे हम, इसी क्वेश्चन का एक जनरल केस बना देते. चलो क्वेश्चन के फॉर्म में दे देते हैं, वो भी एक जनरल केस जिससे इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. इस तरह का मान लो हम यहां पे एक आर्क ले लें, हम यहां पे एक आर्क ले लें, ना सेमी सर्कुलर ना क्वाड्रेंट, एक आर्क ले लें जिस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ठीक है, अब हम क्यू की जगह सीधा लैम्डा की बात करते हैं. लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, और ये एंगल मान लो अल्फा. अब हमसे कहा कि इस चार्ज की वजह से यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. अब देखो एक जनरल केस हो गया कि नहीं है. सेमी सर्किल में ये एंगल कितना था, 180. क्वाड्रेंट में ये कितना था, 90. यही तो हो रहा था, सेमी सर्किल में ये फैल गया 180, क्वाड्रेंट में ये कम हो गया 90. एक अल्फा पे निकाल लो तो सारे आंसर आ जाएंगे. कैसे करना है इसको किया जाए, चलिए यहां से आप एक लाइन बनाइए, फिर यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर एक एलिमेंट काट लीजिए डी थीटा का, जिसपे चार्ज डी क्यू, जिसकी लेंथ डी एल. मैंने सेंटर से काटा पहले, यहाँ से हम थीटा दूर गए, डी थीटा पे एक एलिमेंट काट लिया. इस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई डी ई, बोलो सही है. ये लाइन अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, यानी डी का इधर कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी का इधर कंपोनेंट डी ई साइन थीटा. बोलो सही है, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा. ठीक है, बस अब दोनों को इंटीग्रेट कर लो, काम खत्म. ये हो गया ई एक्स और ये हो गया हमारा ई वाई. अच्छा, इसमें देखो शायद सिमेट्रिकल कहानी है, इसमें इसका ये कंपोनेंट इसके इस कंपोनेंट से कुछ कैंसिल हो रहा है. जरा देखो, शायद डी ई ये वाला ई एक्स वाला कंपोनेंट शायद कैंसिल हो जाएगा. देखो इसके सिमेट्रिकल में एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, उससे डी ऐसे बनेगा, उस डी का साइन थीटा ऐसे आएगा जिससे ये कैंसिल. इसके सिमेट्रिकल में एक यहाँ आएगा, यानी इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक्स कॉम्पोनेंट ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक्स कॉम्पोनेंट ऐसे, कैंसिल. यानी इस बार भी एक्स कॉम्पोनेंट कैंसिल, हाँ इस बार एक्स कॉम्पोनेंट साइन थीटा. वो तो यार ज्योमेट्री है, वो तो हमने खुद से थीटा माना है. ये मत सोचना कि एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा डी कॉस थीटा होता है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. हम ये समझ गए, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट इसके ये वाले कॉम्पोनेंट से कैंसिल, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट इसके ये वाले कॉम्पोनेंट से कैंसिल, और वाई वाला सबका देखो ऐड हो रहा है. देखो इसका यहां से देखो, ये ऐसे आएगा, वाई वाला ऐड होगा, एक्स वाला इससे कैंसिल. सो आप बोल सकते हो ई एक्स गेट्स cancelled for each element due to mirror element. वही कहानी है, अब इत्तेफाक था इस बार exde sin theta था, वो तो ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसा हो रहा है, यानी d cos theta ऐड होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो d cos theta के इंटीग्रेशन से आएगी. सो e net is equals to integration of DE cos theta. अब DE निकालने का वही पुराना मेथड जल्दी जल्दी आप रिपीट कर देते हैं जल्दी से. DE कैसे निकलेगा, DE is equals to K
डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, लैम्डा इस चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो के डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, डी एल की जगह आर डी थीटा है कि नहीं, डी एल की जगह आर डी थीटा, तो के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, दिस विल बी डी ई। ये हम लोग बार बार निकाल लेते, पिछली बार भी निकाला उसके पहले भी, डी एल की जगह आर डी थीटा रखा, बताया था ना डी एल की जगह आर डी थीटा, भूल तो नहीं रहे हो, ये डी एल, ये आर, ये डी थीटा, सो डी एल विल बी आर डी थीटा। मेरे को लगता है तुम्हें नहीं आया, मेरे को लगता है बार बार बताते रहो, थोड़ी सी ये बुरी आदत है, ये आदत जो, एक मिनट, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, हाँ तो ये आदत जो है इसको मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा। यहां से डी की वैल्यू आप पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा, कहां से कहां एंगल को ले जाना है भाई, एंगल के टर्म्स में इंटीग्रेशन आ गया जो चाहते थे। देखो सबसे पहला एलिमेंट यहां काटोगे, फिर यहां 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 तक, फिर यहां तक, तो देखो थीटा इस बार यहां से मेजर हुआ, ये ध्यान देना, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, थीटा यहां से मेजर करते तुम बोलते जीरो से लेके अल्फा, ये पूरा एंगल कितना दिया था अल्फा, तो अगर थीटा यहां से मेजर होता तो बोलते पहला एलिमेंट जीरो पे, फिर बढ़ता बढ़ता, थीटा यहां से मेजर हो रहा है, तो एक बार थीटा को लेके इधर जाना होगा और एक बार थीटा को लेके इधर भी आना होगा, थीटा बीच वाली लाइन से लिया ना मैंने, देखो खूबसूरती, तो एक बार इधर गए माइनस अल्फा बाई टू, एक बार इधर आए प्लस अल्फा बाई टू, जिधर भी प्लस माइनस लेना हो ले लो, एक डायरेक्शन को प्लस एक को, समझ रहे हो, इस अल्फा को आपने दो टुकड़े में तोड़ लिया, अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू, तो थीटा को एक बार यहां से यहां तक पूरा घुमाया तो ये सारे एलिमेंट कवर हुए, फिर यहां घुमाया तो एक बार माइनस अल्फा बाई टू, एक बार प्लस अल्फा बाई टू, सो माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, आंसर फाइनल माइनस नेगेटिव प्लस जो भी आप समझते हो डायरेक्शन तो यही है, आ जाओ, तो इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर बाहर हुआ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, कहां से कहां माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू तक, सो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में और ये प्लस हो जाएगा, सो के लैम्डा बाई आर, साइन के केस में माइनस जो होता है थीटा के अंदर वो बाहर आता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, टू साइन अल्फा बाई टू, 100% करेक्ट आंसर, 2k lambda by r sin alpha by 2, alpha by 2 minus है sin alpha by 2 sin alpha by 2। अब इसको आप किसी पे भी लगा दो, इसको जरा सेमी सर्कल पे लगा के चेक करो, सेमी सर्कल में आंसर था 2k lambda by r, अच्छा सेमी सर्कल में ये अल्फा कितना हो जाएगा 180, तो अल्फा इज 180 डिग्री, ये 180 by 2 कितना हुआ 90, sin 90 की वैल्यू 1, e net इज 2k lambda खतरनाक शॉर्टकट ना। अच्छा क्वाड की बात करें, क्वाड में आया था k lambda by r into root 2 ना, अल्फा की वैल्यू क्वाड के केस में हो जाएगी 90 डिग्री क्वाड्रेंट में, 90 by 2 is 45, sin 45 is 90 by 2 is 40, sin 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 into 2, तो ऊपर root 2 root 2, तो root 2 बचेगा, यानी e net आएगा root 2 into k lambda by r, यही आया था शायद, तो अगर ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप डेरिवेशन पकड़ के चलो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, 2k lambda by r sin alpha by 2, कुछ मान लो एग्जाम में यहाँ 60 डिग्री बना के देता खटाक से खत्म, 60 डिग्री 30 डिग्री आप कुछ भी दे आप खत्म कर दोगे सवाल, 2k lambda by r sin alpha by 2, ऐसे क्वेश्चंस का एक जनरल सोल्यूशन ये है। सेमी सर्कल की बात करेंगे तो अल्फा 180 हो जाएगा, क्वाड की बात करेंगे तो अल्फा 90 हो जाएगा, क्लियर हो गया इस तरह के सवाल। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करते हैं, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट डी क्यू काटते हैं और फिर उस पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारे पास ऐसे एक लीनियर फाइनाइट चार्ज है, ध्यान से लीनियर फाइनाइट, अभी गॉस लॉ पढ़ोगे तो उससे लीनियर इनफाइनाइट चार्ज का डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है,
पर फाइनाइट चार्ज के लिए मुश्किल। अब इसको कई बच्चे अपनी किताब में मैग्नेटिज्म में पाते हैं, ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ का एक डेरिवेशन आता है वहां पे पाते हैं, हम लोग यहीं देख लेंगे। मान लो ये रॉड की लेंथ वही अपनी एल, मान लो कैपिटल एल इसकी लेंथ है, ये कोना बोर्ड का दिखाई पड़ता है, पता नहीं दिख ही रहा होगा, और मान लो क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यूनिफॉर्मली एकदम, है ना, मस्त एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया एकदम प्यार से, ठीक है, और हमसे बोला, अरे पंजा रे, हमसे बोला कि इस रॉड के किसी भी पॉइंट से, बीच से नहीं, किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लो यहां से, यहां से मान लो ए डिस्टेंस दूरी पर, यहां से ए डिस्टेंस दूरी पर इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बड़ा अच्छा सवाल बनता है ये। लीनियर रॉड में आपने एक तो इसकी एक्सिस पे निकाला था, वो तो आसान था, अब ऐसे निकालो, एंड दिस इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ये भी ध्यान देना कहीं पे भी। अब यहां पे बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस पी पॉइंट को यहां से और यहां से जोड़ देते हैं ऐसे। हम मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल थीटा वन है और ये कुछ एंगल बाहर लिख रहे हैं थीटा टू है, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो बन के आएगा, मान लो इसकी लेंथ दे देगा, इससे थीटा पता चल जाएगा, सीधा दिया रहेगा 30 डिग्री 50 डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री बना भी रह सकता है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे, तो हम एक काम करते हैं कि ए, हाँ छी 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 छी, ए ए ये यहां से फाई एंगल पर आके, थीटा ऑलरेडी वेरिएबल है तो थीटा नहीं लिया, यहां पे डी फाई एंगल का एक एलिमेंट काटते हैं, इस जगह से मान लो कितना ऊपर, एल लेंथ ऊपर मान लो, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, डेलिकेट तरह से डील करते हुए इस सवाल को, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी डीएल, यहां से एल लेंथ ऊपर आए और डीएल लेंथ का एलिमेंट काटा, जो यहां एंगल सब्सटेंड कर रहा है कितना, डी फाई का इस जगह पे, इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, इस डीएल लेंथ पे चार्ज होगा डी क्यू, ये डिस्टेंस ए, ये हमने एक वेरिएबल एल माना, एल चेंज होता जाएगा धीमे धीमे धीमे, ऊपर जाएंगे सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे, फिर नीचे आएंगे सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे, जैसे जैसे एल चेंज होगा वैसे वैसे फाई भी चेंज होगा, है ना, बहुत वेरिएबल्स हैं इसमें। अच्छा इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल भी फाई होगा, यानी इस डी ई के फिर से दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक होगा डी ई कॉस फाई और एक नीचे की तरफ आएगा, इसको थीटा टू यहीं लिख दो, एक यहां आएगा डी ई साइन फाइ, दो एलिमेंट आए डी कॉस फाइ डी ई साइन फाइ। देखो पिछले जितने केसेस थे उसमें तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप रटो, ठीक है, सर्कुलर वाले में चाहते हो तो स्पेशल केस को याद कर सकते हो फॉर्मूला लिस्ट में, 2k λ/r sin α/2, इस वाले का फाइनल रिजल्ट याद ही कराएंगे हम आपको। अच्छा यानी अब इस डी के दो कंपोनेंट हैं, डी ई कॉस फाई डी ई साइन फाई, और इनके कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है, देखो इनके कैंसिल होने का कोई चांस नहीं, यहां से बनेगा तो ऐसे जाएगा डी ई कॉस फाई डी ई साइन फाई, हो सकता हो साइन फाई कैंसिल हो जाए, पर तब वो भी तब जब ये एकदम बीच से होता, तब साइन फाई कैंसिल हो जाता या ऐसे जाता साइन फाई सारे कट जाते, अभी तो नहीं, अभी हम इंटीग्रेट ही करेंगे, ठीक है, दोनों कंपोनेंट को एकदम बीच में लेते तो साइन वाला कैंसिल होता, कॉस वाले ऐड होते और साइन वाला देखो टिंगडिंग कैंसिल हो जाता। अच्छा हम बोलेंगे इस वाले को EX, इस वाले को EY। इन लोग ने यार किताबों में क्या करते हैं, इसको EX की जगह वो बोलते हैं E परपेंडिकुलर, इस लेंथ के परपेंडिकुलर, और इसको ये बोलते हैं E पैरेलल, इस लेंथ के पैरेलल। देखो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, इसको बोला E परपेंडिकुलर और इसको बोला E पैरेलल, इस लेंथ के पैरेलल, इस लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना।
ई परपेंडिकुलर भी, ई पैरेलल भी, दोनों के लिए आपको डी की वैल्यू चाहिए होगी। तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी है, भाई लंबा कैलकुलेशन है इसमें, पहले डायग्राम बना लो, शायद मिटाना पड़े एक बार हम लोग को। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है। अब ये भी वेरिएबल है, देखो जब एलिमेंट यहाँ पहुंचेगा तो आर डिस्टेंस चेंज होगा, एलिमेंट यहाँ पहुंचेगा आर डिस्टेंस चेंज होगा, एलिमेंट यहाँ जाएगा आर डिस्टेंस चेंज, एलिमेंट यहाँ आर, मतलब ये जो डिस्टेंस आर ले रहे हैं ये भी वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल, बहुत से वेरिएबल है, डील करेंगे धीमे धीमे, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन तो फाई का ही होना है, फील तो हो गया होगा, क्या चीज हम वेरी कराएंगे, हम फाई वेरी कराएंगे, फाई को हम माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक ले जाएंगे। देखो जैसे पिछले केस में किया था, ये देखो यहां से काटा है ना, फाई यहां से ले रहे हैं ना, तो फाई को माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक वेरी कराना है, तो हमारा वेरिएबल तो फाई ही होगा, यानी सब कुछ को कोशिश करो फाई के टर्म्स में ले जाने की। हैं, किसके टर्म्स में इंटीग्रेशन करोगे, फाई के टर्म्स में कि नहीं, फाई को माइनस थीटा टू पे जाओगे सबसे पहला एलिमेंट, फिर फाई को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, फिर यहाँ ये वाला एलिमेंट, फिर यहाँ ये वाला, यहाँ वाला, यहाँ, यानी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन में सारे एलिमेंट कवर होंगे, तो सबको कोशिश करो फाई के टर्म्स में ले जाने की और डी क्यू की जगह डी फाई लाने की। के डी क्यू की जगह क्या हम लैम्डा डी एल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं अब तो, भाई यार स्क्वायर लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल कैपिटल एल है ना, सो डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। अब आर भी वेरिएबल है, उसको भी हटाना, देखो ना आर चेंज होगा, यहां पहुंचे तो ये आर, यहां पहुंचे ये आर, यहां पहुंचे ये आर, यहां पहुंचे ये आर, आर भी बदल रहा है, उसको भी हटाना है। कैसे हटाएं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बड़े हल कराएगा आपके, है ना, बड़े फायदे करेगा। एक ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एल आर ए फाई, देखा ट्रायंगल ए एल आर और फाई, ये वाला ट्रायंगल मैंने बनाया। यहां से देखो आप बोल सकते हो कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए बाई आर, यहां से आर की वैल्यू मिल गई ए बाई कॉस फाई, के लैम्डा डीएल आर की जगह, आर की जगह ए देखो कांस्टेंट है, हम सब कुछ फाई के टर्म्स में जाना चाहते हैं तो आर की जगह ए बाई कॉस फाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई, तो उसको ऊपर लिख लिया कॉस स्क्वायर फाई। बोलो आया, हम सब कुछ को फाई के टर्म्स में ले जाना चाहते हैं तो हमने ट्रायंगल उठाया कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए बाई आर, आर इज इक्वल्स टू ए बाई कॉस फाई, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई ऊपर गया। अच्छा अब क्या बचा, के इज अ कॉन्स्टेंट, लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, ए ए भी कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है ए डिस्टेंस पे, सब फाई के टर्म्स में हो गया, बस डी एल बचा है ना। अब डी एल की जगह डी फाई बन जाए तो चैन मिले। अब डीएल की जगह डी फाई कैसे बनेगा, देखो इसी ट्रायंगल का यूज करना है, डीएल की जगह डी फाई, डीएल तो नहीं चाहिए ना, हम तो डी फाई चाहते हैं भाई, फाई को कैसे इंटीग्रेट करोगे, माइनस थीटा टू से थीटा वन, तो डी फाई दिखेगा कॉस फाई डी फाई साइन फाई डी फाई, तभी तो इंटीग्रेट। अब कैसे किया जाए, देखो यहां से हम बोल सकते हैं टैन थीटा या टैन फाई इज इक्वल्स टू एल बराबर ए, यहां से एल की वैल्यू होगी ए टैन फाई, L will be a tan phi, है ना? अब सुनना मेरी बात, क्या हम इसको phi के terms में differentiate कर सकते हैं? L is equals to a tan phi को, यहाँ से dl by d phi is equals to tan phi का integration differentiation sec square phi। बोलो आया, दिखाई पड़ रहा है इतना बोर्ड पे आपको, बहुत बढ़िया, कैमरे में सब आ रहा है। अगर L is equals to a tan phi लिख सकते हैं, tan phi is equals to L by a, L is equals to a tan phi, फिर हमने L को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाई, dl बाई डी फाई ए sec स्क्वायर फाई, यहां से dl की वैल्यू हो गई ए sec स्क्वायर फाई डी फाई। के कहां लिखूं, यहां लिखता हूं k लैम्डा बाई ए स्क्वायर, dl की जगह ए sec स्क्वायर फाई और ये भी उधर जाएगा डी फाई, ए sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, dl की जगह ए sec square phi into d phi, क्या किया समझ में आया, dl की जगह d phi लाया इसी ट्रायंगल को यूज करके tan phi से। अच्छा साथ में cos square phi भी लिखा हुआ है, उसको तो लिखेंगे। अच्छा ये sec square phi क्या होता है, 1 by cos square phi, यानी ये और ये कैंसिल भी हो गए, sec square phi is 1 by cos square phi, ये कैंसिल, सो फाइनली यू गेट d की वैल्यू एज k lambda
ए स्क्वायर से ए के कैंसिल होगा बाई ए डी फाइव, डी ई इज के लैम्डा बाई ए डी फाइव। अब देखो डी ई में ये के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट होता है चार्ज पे, ए डिस्टेंस कांस्टेंट है डी फाइव। अब आप चाहो तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल तुरंत निकाल सकते हो, यहां से आपका खेल आसान हो गया। ई परपेंडिकुलर या छी छी, ई परपेंडिकुलर इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाइव, डी की जगह के लैम्डा बाई ए डी फाइव इंटू कॉस फाइव। कहां से कहां इंटीग्रेशन जाएगा, माइनस थीटा टू से थीटा वन, माइनस थीटा टू से थीटा वन। देखो यहां से के बाहर हो जाएगा, लैम्डा बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव, माइनस थीटा टू से थीटा वन। सो ई परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी के लैम्डा बाई ए, ये हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा टू, तो माइनस बाहर आपके हो जाएगा प्लस साइन थीटा टू। अब ये मैं आप चाहूंगा मेमोराइज करें, ई परपेंडिकुलर एकदम सही है के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा टू, माइनस बाहर आके प्लस साइन थीटा टू, पैरेलल में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और पैरेलल भी कर लें। ई पैरेलल इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाइव, डी की जगह रखोगे के लैम्डा बाई ए इंटू डी फाइव साइन फाइव, साइन फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस फाइव, कहां से कहां माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो के लैम्डा बाई ए ये हो जाएगा माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ई पैरेलल एज के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। सो आई विल विश कि आप ये दोनों लर्न कर लो नोट्स में डाल के, आसान है। परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, पैरेलल में के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, इसको आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा वन माइनस 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 कॉस थीटा माइनस टू, ठीक है। एक काम करो इस माइनस को बाहर निकालो, समझ में आ जाएगा, माइनस बाहर निकालो, कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, बाहर माइनस लिखा रहा है, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, बोलो समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ माइनस को बाहर निकाल लो, यहाँ कहीं क्वेश्चन बता दूँ ये बात में, माइनस को बाहर निकाल लोगे तो अंदर कॉस फाइव का कॉस फाइव, तो कॉस फाइव की जगह आप लिखोगे कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, भाई कॉस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो दिस विल बी कॉस थीटा टू, मतलब एज इट इज रह जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। सो ये ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का फॉर्मूला। अब आपको अलग अलग एंगल दिए होंगे ये बना के, लैम्डा की वैल्यू कोई बोलेगा तो क्यू बाई एल रख देना, ठीक है ठीक है, बोलिए सही है, मिटा दें मिटा दें, ओके। अब इसी में एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनता है, जब हमको वो इनफाइनाइट चार्ज दे देता है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इसको आप गॉस लॉ से भी करोगे आगे, आज इसी फॉर्मूले से देखो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, यही जो लीनियर चार्ज था ये इन्फिनिटी तक बिखरा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, मैं बार बार प्लस में क्वेश्चन करा रहा हूं, तो नेगेटिव में बस डायरेक्शन बदल देंगे, पलट देंगे। मान लो ये इन्फिनिटी तक गया, ऊपर भी नीचे भी, अब यहां से बोला डी डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, बोला भाई निकाल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाप कहोगे सर इसमें थीटा वन थीटा टू क्या ले, ये तो चला ही जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर ये छोटा होता तो थीटा ऐसे बनता, थीटा वन जो भी है, और थीटा टू ऐसे बनता, ये बढ़ा तो थीटा बढ़ता जा रहा। देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी दोनों थीटा बढ़ेंगे, देखो लेंथ छोटी सी होती तो ऐसे, बड़ी होती और ज़्यादा, ये देखो पहले अगर लेंथ छोटी सी है तो थीटा वन थीटा टू,
थीटा वन थीटा टू बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, जब बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी तो करीब करीब दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो इन्फिनिटी के लिए हम मानते हैं इतना ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया कि पैरेलल हो जाती है ना, पैरेलल लाइंस मिलती है इन्फिनिटी पे, इसको मिलाना है तो इन्फिनिटी पे इतना बड़ा एंगल हो गया कि थीटा वन थीटा टू दोनों क्या बन गए 90 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड ई परपेंडिकुलर एज वेल एज ई पैरेलल, इस तरफ होता है अपना ई परपेंडिकुलर, इस तरफ ई पैरेलल। अब आपको दिखेगा ई पैरेलल जीरो है, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए साइन 90 साइन 90 साइन 90 इज वन साइन 90 इज वन टू के लैम्डा बाई ए। E parallel is K lambda by A cos 90 0 cos 90 0 0, clear है। तो infinite wire पे भी आप इसको लगा सकते हो, इसको भले ही हम देखेंगे आगे Gauss theorem से भी। तो आज के लिए इतनी ही बातें रखते हैं, अगले lecture में भी यही चीज continue होगी, उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास एक circular ring होगी और उस पर charge Q uniformly distributed होगा और उसकी axis पे यहां से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, वो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।